बाइक छोड़ के चले जाओ। माफ कीजिएगा, एक गाना गा देने से आप हमारी भूमिका को कमतर नहीं कर सकते। ओके, आपने कहा कि आप हमारा न्यूज देखिए, हम ये चलाते हैं, वो चलाते हैं, एहसान करते हैं। हमने आपने भी एहसान करते हैं। आपने भी एहसान नहीं किया नेहा जी, आप तो पुलिस प्रशासन से भाग रही हैं। मैं आप तो कानून से भाग रही हैं, आप नोटिस नहीं दे रही हैं। लगाओ हथकड़ी भाई, आप आगे यहाँ, आप हमारे देश के संविधान और कानून को नहीं मानती हैं नेहा जी। मैं लोगों को कुछ गीत सुनाती हूँ, आप बहुत उलझुल सवाल करते हैं, एकदम गजब आदमी है भाई। मैम ये सब आपकी सेल्फी लेते रहेंगे, आप सुना दीजिए पहले, फिर अपन बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल तो गाना ही है आपका, आप गाना गा गा के पूरे प्रशासन को हिला रही हैं। क्या हो गया, क्यों भाई? नहीं बस थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो मैंने सोचा कि गाना तो थोड़ा आज मैं कम ही सुना पाऊंगी। लेकिन फिर भी वो काबा तो सुनेंगे नया? नहीं, हमने नहीं, सुना काबा नया? मैं जरूर सुनाऊंगी, उससे पहले मैं पूछ लेती हूँ कि आप लोगन का क्या हाल चाल बा? बढ़िया बा ना? बस बढ़िया रहे के चाहिए। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, मैं मौलिक अधिकारों में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, मुझे कोई कैसे डरा सकता है कि नहीं भैया? आपने ऐसा क्या कह दिया उस गाने में? मैंने कुछ भी नहीं कहा, जो मैंने देखा वो मैंने कहा, और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हालांकि तबीयत मेरी थोड़ी कम ठीक है, लेकिन मेरे नौजवान भाई लोग बैठे हुए हैं, मुझे नोटिस दे दिया गया यूपी में काबा सीजन 2 मैंने जब गाया, तो मैं एक एक लाइन सुनाना चाहती हूँ और आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या सच में इस लाइन पे नोटिस आना चाहिए था या फिर मेरे गाने से कोई सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक लाइन सुनाऊं, जवाब मैं आप लोगों से मांगूंगी। बोल कुछ ऐसे थे, अरे बाबा के दरबार बा ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा, काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगा बाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा, अरे ही बुलडोजर वापे बाबा के नाज बा, काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगा मनमानी के रिवाज बा, काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवा द गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा, काबा यूपी में काबा। इस लाइन में आप लोग बताइए कि ऐसा क्या है जिससे कोई भी सामाजिक तनावपूर्ण माहौल बनाने की मैंने कोशिश की है। सीजन 1 भी मैंने गाया था, मैं 2 लाइन वो भी गुनगुनाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग यूपी में काबा ही सुनने आए हैं, और मेरी तबीयत थोड़ी कम ठीक थी, मतलब कम ठीक है भी, लेकिन आप लोगों का प्यार आशीर्वाद देख करके मुझे लगता है मेरी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। एक बार मैं सीजन 1 भी सुनाना चाहूंगी, अरे बाबा के दरबार बा खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले लासन से गंगा भर गईले, कोरोना से लाखन मर गईले लासन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफनो चत कुकुर बिलार बा, ए बाबा काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, काबा यूपी में काबा, रामराज के झांकी बा काशी मथुरा बाकी बा, रामराज के झांकी बा काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा, अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। यही तो आरोप है नेहा जी कि आप विपक्ष का मोहरा बन गई हैं, जो योगी सरकार पर विपक्ष जो आरोप लगाता है वही काम आप कर रही हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि एक लोक कलाकार को, कवि को, लेखक को, साहित्यकार को, मीडिया को, लोक गायिकाओं को
विपक्ष की भूमिका में ही रहना चाहिए, ये मैं समझती हूँ। विपक्ष के हाथों में खेलना चाहिए? नहीं, विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। एक बात बताइए, आज के दौर में जब बहुत सारे लोग बड़े बड़े नाम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, एक लाइन से भेड़ बकरियों की तरह सरकारी पुरस्कार पाने के लिए सरकार के चरणों में नतमस्तक हैं, उनकी महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। इस दौर में एक लड़की है यूपी बिहार की जो बेरोजगारों की आवाज उठाती है, जो मजदूरों की बात करती है, जो किसानों की बात करती है, जो वंचितों जो शोषितों की बात करती है। मैंने अपराध किया है, मुझे क्यों नोटिस भेजा गया, मुझे क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट किया गया, मैंने अपराध किया। यूपी पुलिस यहीं पे है, गाना आप लोगों ने सुना ना भैया, मैं चाहती हूँ, नहीं जवाब दीजिए आप लोग, मैंने गलत गाया है? नहीं, आप लोग गए थे पूरा एकदम, पहले तो मेरे ससुराल में पहुंच गए अम्बेडकर नगर, वहां से बात नहीं बनी तो दिल्ली चले गए। इतनी सक्रियता दिखाई है यूपी पुलिस ने, इतनी सक्रियता किसी और मामले में दिखाए ना दिखाए, नेहा सिंह राठौर को नोटिस पकड़ाने के लिए कानपुर देहात से चल के सीधे यूपी चली गई। और सुनिए, यूपी पुलिस इतनी झूठी पुलिस है, मैं सामने इसलिए बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोला, मेरे हस्बैंड को कॉल किया और कहा कि यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ, महिला पुलिस ने फोन किया, और हिमांशु जी मेरे हस्बैंड का नाम है उनका, उनसे बोलती है कि हिमांशु जी आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, इस जगह पे आकर के मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए। अरे भैया, हम क्रिमिनल हैं, इतना जाल बिछा करके हमको पकड़ना चाह रहे हैं आप लोग, सीधे बोलिए ना कि नोटिस देना है, ये सब क्या आडंबर बनाने की जरूरत थी। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा भैया कौन जानता है वर्दी के वेश में चोर है कि चाई है। कहाँ डरी नेहा जी आप? नहीं नहीं, आप कहाँ डरी, आप तो खुले मंच पर आकर जवाब दे रही हैं। जो जवाब आपको लिखित में पुलिस को दे देना चाहिए था वो आप यहाँ दे रही हैं, कहाँ डरी आप? नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, और मैं क्यों डरूंगी, मैं बार बार कह रही हूँ ना कि मैं अनुच्छेद 19 में विश्वास रखती हूँ, बोलने पढ़ने रहने घूमने समुदाय व्यवसाय इन सब की मुझे आजादी है। आप रोक पाओगे, सिस्टम रोक पाएगा, सरकार रोक पाएगा मुझे, भारत का संविधान मुझे आजादी देता है, मैं क्यों डरूंगी। नेहा जी, एक नोटिस गया आपको, एक कानूनी प्रक्रिया होती है जी। और यहाँ जो पुलिस वाले खड़े हैं इधर उधर, इन्होंने अपनी ड्यूटी की है तो आप मानती हैं? जवाब आपसे 5, 10, 8 जितने भी प्रश्न पूछे गए हो, क्या आपने जवाब दे दिया? नहीं, वो तो बात चल रही है, मैं मेरे वकील से भी बात कर रही हूँ, और बिना वकील से बात किए मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्षमा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ माफी के साथ। आप उन 10 प्रश्नों का उत्तर जो गीत आपने गाया और जिस पर आपसे प्रश्न पूछे गए, उसके लिए वकील चाहिए आपको, और यहाँ आके उन्हीं उस पूरे वीडियो को, उस पूरे गाने को आप गाती हैं और यहाँ जवाब देती हैं, तो वहाँ कानून का पालन क्यों नहीं करती हैं? नहीं, तो वही तो मैं बता रही हूँ, ये लोग बड़े घाघ लोग हैं, ये इतना ट्रिकी तरीके से मेरे से सवाल पूछा कि हाँ बोलूँ तो फंसूँ, ना बोलूँ तो फंसूँ। ठीक है, आपको भी दिख रहा है कि मैं उस वीडियो में मैं गाना गा रही हूँ, सवाल है आप इस वीडियो में हैं अथवा नहीं, इसका जवाब मैं क्या दूं? आप ही के द्वारा ये सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया है अथवा नहीं? भैया, मेरे वकील ने कहा कि मैं बात करूंगा, मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब कैसे जवाब दे सकती हूँ बिना वकील से बात के? मुझे क्या पता ये कानूनी प्रोसेस क्या होता है, और इन लोगों का क्या भरोसा, फंसाने पे आए तो किसी को किसी भी मैटर में फंसा सकते हैं। तो मेरे वकील ने कहा थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, नोटिस का जवाब तुम अभी मत देना मेरे से बात किए बगैर। आपको क्या ये सिर्फ आपने एक रचना रची है या आपको वाकई मौजूदा हमारी जो सामाजिक स्थिति है या जो राजनीतिक स्थिति है उससे कोई परेशानी है? नहीं, देखिए, मैं पिछले 2.5 सालों से, आपका नाम क्या है? सईद अंसारी जी, मैं पिछले 2.5 सालों से लोक गीतों पर काम कर रही हूँ। वर्तमान में भोजपुरी लोक गीतों में जैसी अश्लीलता फैली हुई है, आप लोगों को भी पता है ना, कोई चोलिया के हुक राजा जी गा रहा है, कोई लहंगा रिमोट से उठा के सांसद विधायक बन जा रहा है, तो मैंने इसके खिलाफ अच्छे गाने की शुरुआत की, साफ सुथरे गाने की शुरुआत की। हमने ये बताने की मैंने कोशिश किया कि हमारी जो भोजपुरी है वो कितनी प्रभावशाली है, कितनी साफ सुंदर है, कितनी प्यारी, कितनी मीठी भाषा है। तो मैंने पहली बार भोजपुरी में बेरोजगारी के गीत लिखे। मैं चाहती हूँ कि दो लाइन मैं सुना दूँ, सुनाई देती हूँ।
तबीयत थोड़ा कम ठीक है, गला इधर उधर हो जाए तो माफ करिएगा, दो लाइन आप लोग भी गा लीजिएगा। बैठ के गईला पर वो बात नहीं खियावत महाराज। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, गाइए आप लोग। देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, आंख खोल देख मलिकार हुए झूठा, खेत बारी जमीन बधार मांगीला, खेत बारी जमीन बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। काहे रोजगार मांगीला? कि 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, और कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, और नून तेल पैचाना उधार मांगीला, नून तेल पैचाना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। नेहा जी बैठिए, आप गाते वक्त खड़े अवश्य हो जाइए, लेकिन आपकी तबीयत खराब है इसलिए कह रहे हैं जी, जी। क्यों अगर आपने कुछ भी गलत नहीं गाया, क्यों अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो पुलिस प्रशासन कानून ऐसे ही तो किसी को नोटिस नहीं थमा देता। क्या लगता है आप? उनसे पूछिए ना, खड़े हैं काहे हमको नोटिस दिए हैं जी आप लोग? आपको भी तो लगता होगा कुछ नहीं, पूछिए वो हैं यहीं पे हैं। आपको क्या लगता है हमको नोटिस दिए हैं बताइए? हमने कुछ गलत गाया? अभी गा के सुनाए नहीं, इग्नोर मत करिए, अभी मैंने गाना गा के सुनाया ना, कुछ गलत किया है मैंने? कितना दबाव लेते हैं यार आप लोग, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करिए, बोलिए। अब देखिए आप पुलिस वालों को लपेट रही हैं। नहीं लपेट नहीं रही हूँ, मुझे लपेटा गया तो सर। आप बताइए ना नेहा जी, मुझे नहीं पता। आप ऐसे कैसे नहीं, आपको 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 डरते हो मुझसे? क्यों डरेंगे आपसे? मुझे क्या पता, इनको लगता होगा कि कहीं नेगेटिव परसेप्शन न बन जाए इनके बारे में, कहीं वोट न कट जाए, ये डर होगा। और क्या हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है? डर जी, लोगों से पूछिए। एक और चीज मैं एकदम यहाँ पे स्पष्ट करके जाना चाहती हूँ, आप लोग बताइए, क्योंकि उस नोटिस में लिखा गया है कि मेरे गाने से सामाजिक वैमनस्यता फैल रही है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। आप लोग एक बार प्लीज हाथ उठा के बताइएगा, क्या सच में बिगड़ा है? नहीं बिगड़ा है ना? साथ में बोलिए, नहीं बिगड़ा है ना? दबाव नहीं बना रही हूँ मैं किसी पे, ठीक है। कलेक्टर ठुमकेबाज का अर्थ यह है भैया कि पूरी असंवेदनशीलता के साथ दीक्षित परिवार के घर पे बुलडोजर चल गया, इधर पता चला कि कलेक्टर साहिबा नृत्य कर रही हैं, यही है कलेक्टर ठुमकेबाज बा, सटकल होकर मिजाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम, मनमानी के रिवाज बा, अरे का बा यूपी में का बा। नेहा जी, ऐसा क्या आप भी मानती हैं कि सिर्फ आप ही हैं एक ऐसी लोक गायिका, गायिका, सामाजिक कार्यकर्ता जो सिर्फ? मैं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ। मान ली, चली गायिका मान लिया, लोक गायिका मान लिया, जो आप मान ले, एक एक उत्तर प्रदेश और भारत वर्ष की निवासी, क्या आप इकलौती ऐसे निवासी हैं या नागरिक हैं जो सामाजिक बुराइयों और राजनीतिक कुरीतियों पर कुठाराघात कर रही हैं? ऐसा तो नहीं है क्या आप ये मानती हैं कि आप इकलौती हैं जो आप पर कार्रवाई हो रही मैं है? मैं बिल्कुल इकलौती नहीं हूँ। और देखिए, एक चीज होती है जिम्मेदारी, जो महसूस करने की चीज होती है, ठंड भी है ना, वो भी महसूस करने, महसूस करो तो ठंड लगती है, महसूस करो तो महसूस होता है कि ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मैंने इस जिम्मेदारी को समझा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, आपने कहा ना कि केवल आप ही नहीं है जो ये काम कर रही है, होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन एक तरफ बहुत बड़ी भीड़ है जो कहीं ना कहीं सरकारी कवि, सरकारी लेखिका, सरकारी गायिका बनने पे उतारू है ना, एक साइड से बहुत सारे लोग हैं। और एकदम सच बात है, कौन पूछ रहा है जी आज सरकार से सवाल, कोई पूछ पाने की हिम्मत कर पा रहा है? मैं आपके सामने बोल रही हूँ भैया, मीडिया भी नहीं कर पा रही है हिम्मत, मीडिया भी हिम्मत नहीं कर पा रही है। आप न्यूज देखती है नेहा जी? नहीं। लो भैया, बिना न्यूज देखा ले बताओ तो नहीं देखती है आप? प्लीज देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप न्यूज देखिए, हम न्यूज में क्या दिखाते हैं भैया, हम आप क्या हमारे तो कार्यक्रम देखिए, हम उसमें क्या दिखाते नहीं, हैं नहीं, हम वही जितने तो... प्रश्न पुलिस प्रशासन सरकार, केंद्र सरकार, यूपी सरकार पे हम उठाते हैं, राज्य सरकारों पर हम उठाते हैं, माफ कीजिएगा,
एक गाना गाल देने से आप हमारी भूमिका को कमतर नहीं कर सकते। ओके, आपने कहा कि आप हमारा न्यूज देखिए, हम ये चलाते हैं, हम वो चलाते हैं, एहसान करते हैं हमने, आपने भी एहसान नहीं किया नेहा जी, वो आपका कर्तव्य है, आपने भी एहसान नहीं किया, वो आपकी ड्यूटी है, आपने भी एहसान नहीं किया, वो आपकी ड्यूटी है, आपको एहसान नहीं करते हैं आप। जिस माँ बेटी आपने बताया ना, मैंने ये दिखाया, मैंने वो एहसान किया क्या भाई? आपने एहसान किया क्या भाई गाना गाकर? नहीं नहीं, आप तो पुलिस प्रशासन से भाग रही हैं, आप तो कानून से भाग रही हैं, आप नोटिस नहीं दे रही हैं। लगाओ हथकड़ी भाई, आप आके यहाँ लगाइए हथकड़ी मुझे, मैं भाग रही हूँ, आप भाग रही हैं, लगाइए हथकड़ी भाई, जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? चैलेंज कर रही हूँ, लगाइए हथकड़ी, जवाब क्यों नहीं दे रही हैं नेहा जी? भैया सारे जवाब यहाँ दे देंगे आप, कैसे जवाब कागज पे लिखने के लिए इतना छोटा सा प्रश्न? आयल बानी यूपी में, ये लखनऊ में बानी, यूपी पुलिस के सामने राल बानी के लगाओ हथकड़ी हमारा के, कोनो गलती कैले बानी तो, कोनो अपराध कैले बानी तो, अपराध किया है मैंने नहीं तो, किया है तो सामने है यूपी पुलिस और लगाए हथकड़ी मुझे, जवाब क्यों नहीं दे रही है? जवाब ही है लिखित में दे दीजिए ना, दोषी पाई गई तो उठा ले जाएगी नहीं, पुलिस। वो मेरे आप पुलिस को इतना कमजोर समझती हैं क्या? नहीं बिल्कुल कमजोर नहीं समझती, आपको क्या लगता है का प्रोसेस है? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है अगर आप दोषी हैं वो महिला पुलिसकर्मी खड़ी हैं वहाँ अधिकारी, आपको क्या लगता है अगर आप जवाब दे देती हैं और दोषी पाई जाती है उनकी दृष्टि में तो आप यहाँ बैठ के हमारे सवालों का जवाब दे पाती? दोषी हुई नहीं, जब मैं दोषी हुई नहीं तो आप मुझे दोषी की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप जज हैं? नहीं मैं जज नहीं हूँ। तो फिर आप कैसे निर्णय कर सकती हैं कि मैं नहीं, ये जनता जज है भाई, मेरा जज और कोई नहीं है, मेरा जज है जनता, दोषी हूँ मैं नहीं हूँ, बताइए आप, इससे बड़ा जज मैं किसी को मानती नहीं, सारे बिके हुए हैं, मीडिया हो गए, जज हो गए, कलेक्टर हो गए, ये जनता नहीं बिकी हुई है, ठीक है? आप हमारे देश के संविधान और कानून को नहीं मानती हैं नेहा जी? नेहा जी हमारा देश कानून और संविधान से चलता है, आप नहीं मानती संविधान को, आप नहीं मानती कानून को? मैं शुरू में ही आके बोली हूँ कि मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, आप आके अपने पीछे पे बना दिए हमको नई संविधान मानती है। अच्छा, मैं संविधान नहीं मानती हूँ। कुछ सेकंड पहले आपने कहा कि मैं नहीं मानती कानून को पुलिस को, मैं तो जनता को मानती हूँ। अच्छा अच्छा, इसका मतलब बताइए, ये थेथरई बतियाने वाली बात हुई भैया, मतलब बताइए ना, इसे थेथरई कहते हैं, इसका मतलब बता दीजिए। नहीं 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 नहीं, अभी आपने कहा कि मैं नहीं मानती पुलिस को, मैं नहीं मानती कानून को, मैं जनता को मानती हूँ। नो 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 नो, हाँ या नहीं, कहा या नहीं? देखिए नहीं कहा, देखिए जवाब देखिए, नहीं देख लीजिए, लोग मेरे साथ हैं यार। अच्छा, नोटिस कितना बदनाम करोगे मुझे? नोटिस मिलते ही मुझे इन पे भरोसा है महाराज, और केहू पे नहीं भरोसा है। पुलिस प्रशासन सब दो चार रुपया पाके बिक जाते हैं, ये लोग बिकते नहीं हैं, मुझे इन पे ही भरोसा है। एक पुलिस का नोटिस मिला नहीं कि आप भर्ती हो गई, माफ कीजिएगा, क्षमा, मेरा ये प्रश्न आपको बुरा लग सकता है, ये बुरा लग सकता है, आप नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे भाई मैं तो कह तो रही हूँ कि मैंने जवाब दिया है, मेरे वकील बात कर रहे हैं, यहाँ आके जवाब दे रही है, वहाँ लिखने में आपको वकील की जरूरत क्यों? हाँ वकील की जरूरत, क्योंकि कानूनी वो प्रोसेस है। इतना सिंपल सा प्रश्न है कि क्या ये गाना आपने गाया है या नहीं, आप ही नहीं, ने बताया। जब तक मेरे, अरे भाई आपने गाया कि नहीं, नहीं गाया? हर चीज का ना क्या बोलते हैं, टाइम होता है, एक प्रक्रिया होती है, तो वो लगा हुआ है, उसमें जवाब मैं दूंगी। नेहा जी आप हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी लड़की हैं, सुनिए ना इधर देखकर, इकलौती ऐसी लड़की हैं जो एकदम निष्पक्ष हैं, जो एकदम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, और बाकी सारे कलाकार, मीडिया, पत्रकार सब चाटुकार। देखिए भाई मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मेजोरिटी तो कहीं ना कहीं है ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी हैं, पर मेजोरिटी है। और देखिए हमसे क्या जवाब मांग रहे हैं, मेरे जवाब देने से पहले ही लोग जवाब दे रहे हैं, उधर देखिए लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपसे सहमत नहीं है, जो आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जनता सहमत है, वो देखिए। अच्छा एक मिनट, देखिए सब सहमत हैं देखिए। सहमत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं है, कौन है बता दीजिए। ये देखिए ये उठ रहे हैं, ये देखिए हाथ उठ रहे हैं। आपने कहा ओके भैया, बहुत अच्छा, आपने कहा कि बिहार के लिए मेरी आवाज सूख जाती है, ओके अब मैं सुनाने दोगे मेरे भाई, बिहार के लिए मेरी आवाज सूख जाती है, मैं अब सुना देती हूँ कि मैंने बिहार के लिए क्या लिखा। मैं दिल्ली में रहती हूँ,
मैं दिल्ली में रहती हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ कि भैया हाई हम बिहारी बाहर जात बानी हो। ये मैंने गीत दिल्ली में रह करके लिखा था बिहारियों के लिए कि भैया हाई हम बिहारी बाहर जात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, एही जकाही के बिहारी लोगवा गारी देवेला, एही जकाही के बिहारी लोगवा गारी देवेला, हौवे जवन सब्जी तरकारी देवेला, हौवे जवन सब्जी तरकारी देवेला, दिन में सोबे रवका तुम्हें न पात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, मांगी जाब रोजगार लाठी मारे सरकार, मांगी जाब रोजगार लाठी मारे सरकार, एही से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआर, ए दुआरे ओह दुआरे दूर दूरात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। थैंक यू सो मच। आवाज काम नहीं करत भैया, कल बीमार हो गई रहनी ढेर, लेकिन रउआ कह देनी है तो गाना सुनाओ तानी, ना तो सोचले रही कि ढेर गाना ना सुनाई जननी। नहीं, तबीयत खराब में आपने अपने फैंस का दिल रखा। नेहा जी, एक बात और बताइए प्लीज, आज इन सब के सामने, ये जो सैकड़ों की तादाद में आपके फैंस यहाँ पर हैं, इनके सामने उस चाटुकार कवि लोक गायिका गायक नाम तो बताइए जो सरकार की चरण वंदना कर रहा है, कर नहीं, रही है। नहीं, एको नाम होगी तब न बताई, लागो एक तो बताइए, बिहान हो जाए, एक तो बताइए, बिहान हो जाए कहते तो भाई साज ले, बिहान हो जाए, इसका नाम मतलब तो ये कि आपने हवा में फेल छोड़ दिया, ढिमकनी या चिलानी या लाइन लंबी है, एक नाम तो बताइए वरना हवा में तीर छोड़ दिया भाई, ठीक है क्या? नहीं नहीं, देखिए आप पे आरोप लगाना नेहा जी बहुत आसान होता है, आप मुझे कितना भी फंसाने की कोशिश करेंगे यकीन मानिए मैं नहीं आऊंगी आपके पीछ पे, नहीं हम नहीं, विश्वास कीजिए, हम बिल्कुल आप, मैं आपको ना, मैं लोगों को कुछ गीत सुनाती हूँ, आप बहुत उलझुल सवाल करते हैं, एकदम गजब आदमी है भाई। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। अभी यार ये बताइए कि आखिर ये जो बेरोजगारी वाला आपने गीत लिखा है, ये नोटिस से पहले लिखा था या बाद में लिखा था? भाई मैं पिछले 2.5 सालों से बेरोजगारी के गीत लिख रही हूँ। अरे अभी ये जो बेरोजगार वाला जो अभी आपने गीत सुनाया, या आपने नोटिस से पहले लिखा या बाद में लिखा? नहीं, शायद पहले लिखा था। पहले लिखा, सुनाइए। मैं मौलिक अधिकारों के गीत सुनाऊंगी, भोजपुरी में मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखा है, मैं सवाल पूछना है, जितना चढ़ के कपार पे बोल रहे हैं ना, सरकार से सवाल करिए, समझे? सवाल पूछना है, जहाँ पूछे के हो ना, उस जगह मुंह में ना दही जम जाए तो उन लोग के, सवाल पूछना है सरकार से, पूछिए सवाल, मैं लोक गायिका हूँ, मैं विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में नहीं आई हूँ, नहीं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, इतना सवाल करने का चुल मच रहा है ना, सरकार से पूछिए, मुझसे सवाल नहीं। मैं मौलिक अधिकारों के गीत सुनाती हूँ आप लोगों को, आप लोग सुनिएगा, मौलिक अधिकारों के गीत सुनिएगा। संविधान के सुन ला विचार भैया, आव समझाया अपन अधिकार भैया, संविधान के
सुन ला विचार भैया आव समझाया पन अधिकार भैया तोहर पहला अधिकार हौवे समता के हो जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो केहू छोट बड़ ना बड़ा बर भैया आव समझाया पन अधिकार भैया चौदह से अठारह के सार भैया आव समझाया पन अधिकार भैया तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो उन्नीस से बाईस के गुहार भैया आव समझाया पन अधिकार भैया तोहर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध तेईस से चौबीस कहे बार बार भैया आव समझाया पन अधिकार भैया चाहे मंदिर जइहा चाहे मस्जिद जइहा चाहे चर्च में चाहे गुरुद्वारा जइहा पूजा पाठ पे हक बातोहार भैया आव समझाया पन अधिकार भैया पच्चीस से अट्ठाईस के पुकार भैया आव समझाया पन अधिकार भैया भाषा बच जाए कल्चर तोहार माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार एहो उन्तीस से तीस के पुकार भैया आव समझाया पन अधिकार भैया तोहर घर से भइल गर केहू गिरफ्तार चौबीस घंटा में कचहरी करे खुद विचार बत्तीस से पैतीस के जोगाड़ भैया आव समझाया पन अधिकार भैया। ये जो आप जैसे गायक गायिका हैं जो सामाजिक चेतना जागृत कर रहे हैं और कुरीतियों के सामाजिक अन्याय के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, एक वो लोग हो गए, आपने कहा आप अकेली नहीं है और भी लोग हैं, वो जो सरकारी चरण वंदना वाले जो लोग हैं उन्हें क्या मिल जाता है ऐसा? देखिए उनमें और मुझ में अंतर है, उन्हें पद्मश्री मिल जाता है, मुझे नोटिस मिल जाता है, ये अंतर है। ये सरकार, इसके बाद की सरकारें, कभी अगर आपको कोई सरकार पद्मश्री, क्योंकि हर सरकार के दौर में नेहा जी ऐसा नहीं है कि सब अच्छा अच्छा और सब बुरा बुरा होता है, हाँ ये है कि समाज को विकास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और राग द्वेष नहीं होना चाहिए, तो आप किसी पुरस्कार को ग्रहण नहीं करेंगे आज साहित्य आज तक के इस मंच पर कह सकती हैं। और आप सिर्फ आज की बात करिए, कल का क्या भरोसा है महाराज, कल आप भी बदल जाएंगी, करिए आज की बात करिए, कल आप भी बदल जाएंगी। आपको पता है मैं जानती हूँ आप लोगों का मिजाज, कल आप भी बदल जाएंगी। अपने पीछ पे लाना चाहते, मैं अब नहीं करूंगी, ऐसे फंसा देंगे, ऐसे फंसा देंगे, ना 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 ना, ये नहीं हो पाएगा। कोई एक ऐसा अच्छा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया हो जिसकी आप तारीफ करना चाहती? नहीं, देखिए वो अपनी तारीफ तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के करोड़ों रुपया खर्च करा के बड़का बड़का मंच से करवा ही रहे हैं, हम का करवाएं? क्या अब नेहा? आगे कुछ जौन बचल खुचल बा सरकारी कवि लोग कर देत बा, ओकरा में हम का करवाएं? एक नाम तो सरकारी कवि का बताइए मैडम। नहीं आप एक नाम कम, नहीं आपको लगता तो है एक नाम तो बनता है ना, एक नाम तो बनता है,
देखिए देखिए देखिए, वही तो मैंने कहा। तो दस बता, दस मैंने बता कहा दीजिए कि लिस्ट लंबी है, दस बता ना, नाम सुनावे लगा। एक घंटा, एक घंटा लिस्ट सुनाइए। अरे भोर हो जाए, दो घंटा बैठे हम, भोर हो जाए, हम आपके मेहमान हैं, आपके शहर में आए, हमें कोई काम नहीं आपसे बात करें। हो जाएगा, हम बैठे हैं, आप सुनाइए लिस्ट लाइए। आपको क्या लगता है मैं उनको यहाँ नाम लेके हाईलाइट करूंगी? अच्छा नेहा जी, आखिरी प्रश्न, समय खत्म हो गया, हम आपको और समय देते लेकिन क्योंकि अगले कार्यक्रम का समय हो रहा है, एक ऐसा काम जो नेहा सिंह राठौड़ को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा हुआ है, उत्तर प्रदेश के गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, शोषितों, वंचितों के लिए, उनके उत्थान के लिए एक काम सरकार ने, कोई एक काम नहीं देखिए, फिर एग्जैक्टली ये नेहा से क्यों पूछ रहे हैं आप? मुझसे पूछिए, मैं बताऊं दस बुरे और अच्छे। नहीं, नहीं, अगर अगर हमारे समाज में अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। उनका जवाब दो, जवाब दो, आप जवाब दीजिए ना, जवाब दो। आप हमारे जवाब से क्यों भाग रही है? मैं नहीं भाग रही, आप कोई एक भी अच्छा काम नहीं किया। इनको लगता मैं इनके सवाल से भाग रही हूँ, एक जवाब दीजिए ना। और बात सुनिए, आपने नाम नहीं बताया। सुनिए, ये कह रहे हैं कि आप मेरे सवालों से भाग रही हैं। कल मुझे कुछ लोगों ने कहा कि बीमार हो गई है, बाबा के बुलडोजर से डर गई है, अब यूपी नहीं आएगी, बीमार हूँ, देखिए हाथ में क्या लगा। मैंने कहा जाऊंगी, भागती नहीं हूँ मैं, समझे आप? सारे प्रश्न नहीं रही हूँ, भागती तो मैं आती ही नहीं, आपको बता नहीं सकते। मेरे डॉक्टर ने मना किया इतना बोलने के लिए, मुझे बेड रेस्ट है, ये देख रहे हैं ना, लेकिन मैं आई हूँ यही बताने के लिए कि डरती नहीं है नेहा सिंह राठौर। पुलिस से डरती है नेहा सिंह राठौर? केहुओं से नहीं डरती है, पुलिस से डरती है नेहा सिंह राठौर, इसीलिए पुलिस के नोटिस का जवाब नहीं देती है नेहा सिंह राठौर। गिरफ्तार करो हमरा के, लेके चला, लेके चला तू हमरा के, यही तो चाहती है नेहा सिंह राठौड़ की, और सरकार को गाली देके और पॉपुलर हो जाए। सरकार को गाली दिया है मैंने, गाली दिया है ओ। यही तो चाहती है नेहा सिंह राठौड़। सवाल पूछा, हमको लगता है कि आप किसी पार्टी विशेष की प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए हैं। यही चाहती है, हमको तो यही लगता है, हम सरकार को गाली दे रहे हैं। यही डीएम को गाली नहीं दिया, डीएम कौन होता है? हमने डीएम को गाली दिया, क्या बोले डीएम? क्या रंगबाज, क्या रंगबाज होता है? है रंगबाज है डीएम, पूछिए कैसे रंगबाज है। नहीं, मैं बता देती हूँ कैसे रंगबाज है। दो माँ बेटी घर के अंदर बंद हो गई, बोला कि जान दे देंगे, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया पूरी रंगबाजी के साथ। हमने कहा बिहार में रंगबाज रंगदार शब्द कहल जाला, फलानवा बड़ी रंगदारी देखा होता, फलानवा बड़ी रंगबाजी देखा होता, तो रंगबाज है तो रंगबाज को रंगबाज ना कहूँ तो क्या कहूँ? और ये रंगबाजी नहीं है कि चार दस सवालों का जवाब ना देकर पुलिस को उकसाना कि आओ मुझे गिरफ्तार। अरे भैया कहाँ, ये रंगबाजी नहीं है। अच्छा, ये रंगबाजी नहीं है, उनकी रंगबाजी आपको नहीं देखी? ये क्या है? नहीं, कानपुर से, और किसी मामले में आप लोग इतने सक्रिय होते हैं या नहीं, लेकिन कानपुर से देहात चले गए, ये रंगबाजी नहीं थी? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चले गए, ये रंगबाजी नहीं थी आपकी? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार के तौर पे बात करेंगे, मैं बात करूंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरह बात करेंगे, मैं माइक छोड़ के चली जाऊंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चलिए हो गया अजय कुमार मिश्र टेनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, हाँ या नहीं? दो चार सवालों के जवाब तो दे जाइए नेहा जी, नेहा जी बता तो जाइए प्लीज, दो सवालों के। आप साहित्य आज तक में आई, बहुत धन्यवाद। एक और चीज, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये बड़ा मंच है, ज्यादा लोग भी हैं। सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, क्योंकि जो पेंशन की राशि है वो सरकारों के जुआ खेलने का सामान नहीं है, वो कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है। बाकी लास्ट में एक बार मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। बस गजब यू टर्न लेती है नेहा जी, अभी कानून को नहीं मानती थी, संविधान को नहीं मानती थी, अब बोल रही है जय संविधान। बहुत धन्यवाद आज तक, साहित्य आज तक में आने के लिए नेहा सिंह राठौड़ जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का भी बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।